हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल और मैदे की बहुत ही शानदार मठरी की रेसिपी, जिसे आप निमकी भी बोलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डेलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है पौन कटोरी मूंग की दाल, मतलब एक कटोरी से थोड़ी सी कम मूंग की दाल, जिसको कि मैंने 4 घंटे पहले ही भिगो कर रखा था। ये मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने 4 घंटे ही इसे भिगो कर रखा था। बाकी आप चाहे तो इसे रात भर भी पानी में भिगो कर रख सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। उसके बाद मैं आधा आधा कर इसे पीस लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो जार लिया है वो छोटा है। अगर आप बड़ा जार लेते हैं तो आप एक ही बारी में इसे पीस सकते हैं, लेकिन इसको पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल न के बराबर करते हैं। मुश्किल से 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी का यूज़ होता है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार मिक्सर में मूँग की दाल को डालकर दरदरा पीस लिया है। आपको इसका फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इस तरह से मोटा मोटा दरदरा सा पेस्ट बनाना है इसका। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसमें मुश्किल से 2 से 3 चम्मच ही पानी का यूज़ हुआ है, और इतना गाढ़ा आपको दाल को रखना है। और दाल को पीसते हुए आपको ध्यान रहे कि आपको मिक्सर को कंटिन्यू नहीं चलाना है, उसे पल्स मोड पर ही चलाना है, रुक रुक कर मीन्स। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 चम्मच अजवाइन। हमें अजवाइन को इस तरह से अच्छे से इसके अंदर क्रश करते हुए डालना है। देखिए मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कलौंजी। ये कलौंजी के अंदर थोड़े से अजवाइन के दाने गिर गए थे, इसलिए थोड़ी सी ऐसी दिख रही है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिक्स हो गई है। 1/2 चम्मच ही हमने यहाँ पर कलौंजी ली है। 1/2 चम्मच जीरा, जीरे को भी हमें हाथ से अच्छे से क्रश करते हुए डालना है, ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर हमारी मठरी के अंदर या फिर निमकी के अंदर बहुत ही अच्छे से आ सके। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक, इसमें थोड़ा सा नमक तेज भी होगा तो अच्छा लगेगा, 1 से 2 पिंच हींग। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मठरी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी क्योंकि ये मूंग दाल की मठरी है। 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप चाट मसाला पाउडर की जगह अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा, जिसमें से मैंने 1/2 कटोरी इसके अंदर मैदा डाल दिया है, जिसको कि मैंने छान कर डाला है। और यहाँ पर 1 से 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। उसके बाद ये 1 बड़ी चम्मच घी ले रही हूँ, जो कि छोटी 2 चम्मच देसी घी है। मैंने यहाँ पर एक ही पूरा फुल भर के चम्मच लिया है इसीलिए, बाकी आप 2 चम्मच घी कम से कम ऐड करें, 2 से 3 चम्मच भी आप घी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घी यहाँ पर मोयन के लिए डाला जाता है। और जितना अच्छे से आपका मोयन रहेगा उतनी ही खस्ता आपकी निमकी या फिर मठरी बनेगी। हमें आधा आधा करके मैदों को इसके अंदर मिक्स करना है। एक साथ आप पूरी पूरी कटोरी मैदा ऐड ना करें, जैसे जैसे आप आटे को गूंथते जाएँ इसके अंदर मैदा ऐड करते जाएँ। क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा गीला लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच मैदा और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको भी इस तरह से थोड़ा सा भी गीला लगे, हमने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल न के बराबर किया था दाल को पीसते हुए, फिर भी ये थोड़ा सा गीला है, उसके अलावा हमें बिल्कुल भी पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है, उसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, जो कि छोटे 2 चम्मच है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। हमें यहाँ पर एक थिक सा पेस्ट रेडी करना है मैदे और घी का। ये पेस्ट हम जब निमकी बनाएंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, रोटी बनाएंगे उसके ऊपर, इससे कि हमारी निमकी की या फिर मठरी की जो लेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आए। ये देखिए इतना थिक सा आपको एक गाढ़ा पेस्ट रेडी करना है। देखिए हमारा मैदा भी जो है अच्छे से सेट हो चुका है। वापस से हम इसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा सा भी गीला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच और मैदा डालकर अच्छे से इसे गूंथ लें। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से गूंथ लिया है, बहुत अच्छा सा डो बनकर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने पौन कटोरी मूंग दाल के अंदर 1 कटोरी फुल मैदा यूज़ किया है। आप 1 से 1.25 कटोरी भी मैदा इसमें यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपका डो परफेक्टली रेडी ना हो। अब मैं यहाँ पर 2 छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी कर रही हूँ। छोटी मीन्स ये रोटी की साइज़ की 2 बॉल्स मैंने रेडी की है। जितनी बड़ी अपन रोटी बनाते हैं सेम उतनी बड़ी। ये देखिए
मैंने दो बॉल्स बना ली है और इस तरह से सूखा मैदा इसके ऊपर अच्छे से डस्ट करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। पहले इसे मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे और इसकी एक अच्छी सी रोटी बेल लेंगे गोल गोल। अच्छे से आपको रोटी बेल लेना है। अगर आपका डो पहले से ही टाइट है तो आपको इस तरह से मैदा डस्ट करने की या फिर मैदे से इसे कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो इस रेसिपी में मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मूंग दाल मोगर और मैदे से बना रही हूँ ये मठरी। ये देखिए, आपको इस तरह से पहले अच्छे से एक रोटी बेल लेनी है। रोटी आपकी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, बिल्कुल मीडियम साइज़ की आपकी रोटी होनी चाहिए। अब एक रोटी हमने बना ली है, इसको हम साइड में रख देंगे और दूसरी बोल जो हमने बनाकर रेडी की थी उसकी रोटी बना लेंगे। अब ये देखिए, इसे एक प्लेट में रख लेंगे साइड में। अब दूसरी रोटी भी मैंने बनाकर रेडी कर ली है। अब दूसरी रोटी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये पेस्ट या फिर ये मिक्सचर जो कि हमने घी और मैदे से बनाकर रेडी किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए एक पतली सी लेयर लगा लेती है आपको इस मिक्सचर की रोटी के ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हाथ से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लगा लेना। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा और सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ये दूसरी रोटी भी रख देंगे, अच्छे से बिछा देंगे उसके ऊपर। ये देखिए, अच्छी तरीके से आपको इसके ऊपर अच्छे से चिपका लेना है, हल्के से हाथ से इसे प्रेस कर देना है या फिर आप चाहे तो एक बार इसे बैलेंस से भी हल्का सा घुमा सकते हैं। और दूसरी रोटी के ऊपर भी अब हम अप्लाई करेंगे ये मिक्सचर या फिर ये पेस्ट बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए। एक पतली सी लेयर आपको इसकी लगा लेनी है, कोई भी स्पेस कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर डस्ट करेंगे ये सूखा मैदा। ये देखिए, इससे कि आपकी निमकी या फिर मटरी की जो लेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी ये पेस्ट लगाने के बाद। और इस तरह से आपको रोटी को हल्के हाथ से इस तरह से गोल गोल करते जाना है अंदर की तरफ। ये आपको ना तो बहुत ज़्यादा टाइटली करना है ना ही बहुत ज़्यादा लूज हाथों से करना है, बिल्कुल नॉर्मली आपको इस तरह से गोल गोल रोल बना लेना है इसका और हल्का सा इसे लंबा कर लेना है। क्योंकि हमने यहाँ पर डबल रोटी ली थी, इसीलिए अगर आप सिंगल रोटी लेते हैं तो आपको इस तरह से इतना लंबा करने की इससे ज़रूरत नहीं है। और आप शेप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ओवल शेप देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह से एक एक इंच के टुकड़े काट लिए हैं। अब इसे फिंगर्स की मदद से इस तरह से थोड़ा सा ओवल शेप में अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमें इसे बेलने में आसानी हो और बहुत ही परफेक्ट शेप बनकर आए। थोड़ा सा फिर से इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से बेलन से इसे बेल लेंगे, अच्छा सा शेप आए ताकि। अब आप एक फोक लीजिए और फोक की मदद से इस तरह से छोटे छोटे से छेद कर दीजिए ताकि ये फूले ना। दोनों तरफ से हमें इसके ऊपर छेद करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी मठरी कितनी अच्छी लग रही है। ना तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा बेलना ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला बेलना है, बिल्कुल मीडियम साइज़। ये देखिए, मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। एक प्लेट में ये आ नहीं रही थी इसलिए मैंने दो प्लेट में इसे लिया है। अब मैंने एक साइड पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमें यहाँ पर तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमारा तेल जो है वो मीडियम गर्म ही होना चाहिए। खोलता हुआ तेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म तेल में ही आपको मठरी को डालना है। अगर आप तेज़ गर्म तेल में मठरी को डालते हैं तो ये एकाएक जल जाएगी और इसमें क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, खस्तापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको वन बाय वन करके डालते जाएं और जितनी इसमें एक बार में आ सके उतना आपको इसमें डालना है। और जब तक ये खुद ब खुद ऊपर ना आ जाए तब तक आप इसको टर्न ना करें, अलट पलट बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको उसको अलट पलट करते हुए फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर हमारी मठरियों के अंदर आ चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना इसके अंदर जला जला सा टेस्ट आएगा, थोड़ा कड़वा सा। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है, बहुत प्यारा सा कलर आया है। बस इसी तरह से सारी मठरियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा जीरावन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़। अब मैं आपको एक मठरी तोड़कर बताती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बनी है। चाट मसाला या जीरावन स्प्रिंकल कर खाने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मठरियों को सफ़र में या फिर अपनी छोटी भूख में या फिर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ये हर तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।